अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा अपना सुहेल विरा तुहानूं सारिआं नूं वैलकम करना लाइफ स्टाइल विद सुहेल विरा जी। तो आज हम जा रहे हैं अपने प्यारे बहुत प्यारे दोस्त को लेने, और अभी हम उनका नाम नहीं बताएंगे, जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम किस को लेने जा रहे हैं। एक दुबई से शहजादा आ रहा है, उसको हम रिसीव करने जा रहे हैं। क्यों आपसे बोल रहे हैं? बिल्कुल जी, कोई कोई उसके बारे में कोई कमेंट्स पास करें। वेलकम टू होम कंट्री, वेलकम टू होम लैंड, यस मिस्टर जी। ये बाहर खड़े हुए हैं। हाँ जी जी जी, किसको लेने जा रहे हैं? ये एक अपने खास फ्रेंड को लेने जा रहे हैं। यस हाँ जी, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए बाहर दिन निकला हुआ है ना, और अभी मैं बताता हूँ आपको। कोई नहीं रखा हुआ है। ये मेरी रेड बुल, ये मेरी, ये आपकी, मेरा तो रोज़ा है, अभी खोल लेता हूँ। और वो निम्को कहाँ है? ये आपने ले लिया, अफ्तारी के बाद खाएंगे आप जी। हाँ जी, चले चले जी, बिस्मिल्लाह करें। ये लिखे आपके पास पैकेट है, हमारे पास पैकेट है। बहुत सारा तो बंदी जी। हाँ जी, हम आपका लगा हुआ टैग? नहीं लगा हुआ। क्या बात है, माशाल्लाह सुबह हो गई है, सुबह हो गई। माँ दिल कर रहा था धीरे धीरे मिल जाते हैं, आधा सफर तो ले जी। ड्राइवर को पर मोहतात होके ये हम जा रहे हैं कश्मीर। ये हसीन वादियाँ जो आपको नजर आ रही हैं, ये कश्मीर की, ये हम कश्मीर जा रहे हैं। और ये देखा कितना प्यारा व्यू है, स्माइल देखे, वाह वाह, कश्मीर की मजा आ रहा है ना, जबरदस्त। क्या बात है, इंशाल्लाह डेढ़ घंटे तक कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो फिर वहां पर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपने वहां जाना है? हां जी, लाहौर भी देखा, जमीन नहीं लाहौर देखा चले हैं। ये देख ली, धोखे के बाद चाहे वो दूसरी चीज है, जो नींद जो बंद आके खोल देती, बंदे की आंखें खोल देती। हम तो जनाब जी रेड बुल पिए तो आंखें खुल जाती हैं जी। अभी हम किधर आके खान का डोगरा आ गए हम तकरीबन, और हवा चेक करवाइए जी। जी हाँ जी, माशाल्लाह पहुंच गए हैं जी काला शाह का टूर प्लाजा। ये चांद का सूरज है। अब हमने किस तरफ जाना है? वो सामने लिखा हुआ है लाहौर रिंग रोड, इसी भी जाना है ना जी? हाँ जी, सीधे ही जाना। यस सीधे ही, तो शायद बोर्ड शोर्ड भी लगे होंगे, पता नहीं। हाँ, बोर्ड नाले लगे हैं। माशाल्लाह से ब्यूटीफुल सीन। गंदे काम सारा कट्टा मट्टे बाहर आ गया। देखे हमारे मुल्क के पास कितना पैसा है। हाँ, देखे हमारे मुल्क के पास कितना पैसा है, ये देखिए माशाल्लाह। पाकिस्तान लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये बुतियां गिरी पड़ी हैं, प्लास्टिक की है ना? हाँ प्लास्टिक का। कैमरामैन बदलो। माशाल्लाह, अब इधर क्या गाड़ी की बनाओ वीडियो,
एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, बड़ा मजा आ रहा है और एयरपोर्ट आ गया लेकिन सारा खट्टा साढ़े मुंह तक माशाल्लाह क्या बात है। ये अगे अगे जा रहे हैं जी भाई जान ये हमें सजा मिल रही है आपको मिल रही है आपका जिगरी दोस्त आ रहा है। हाँ जी मुझे तो खुशी है। हमारे लिए ये देखे वो 725 264 अभी तक वो जनाब जी ग्रीन लाइट नहीं आई और 740 वाली आ गई फ्लाइट पर हमारी अभी तक नहीं आई। जी हाँ जी हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं और बैठे हुए हैं। आतिफ भाई और शेख साहब वाशरूम गए हैं और जनाब की अभी तक फ्लाइट नहीं आई। अभी है कुछ हाँ वो जो 740 वाली वो शो हो रही है और हमारी वाली बेखर लाइट कह रहा हूँ लेट हो गई है वो अब आती है तो उसको पकड़ेंगे और घर ले जाएंगे। महंगाई तो सारी पतले हुए हमारे शरीर भाई मुबारक चल जी देखें जी ये अल्लाह घर जाके तो खोल नहीं ना नहीं खोल दे भाई जा जी जी पाकिस्तान कैसा लगा पाकिस्तान जी मुझे आज फिर से याद आ गया वो पुराना पाकिस्तान जिसको मैं छोड़ के गया था। हाँ बाद में नया पाकिस्तान हुआ था लेकिन अभी तो आप जाएंगे और अपनी वो पुरानी गलियां देखेंगे। क्या बात है जी गलियों को तो बड़ा मिस करते हैं। हाँ वो गली गली की खुशबू को बड़ा मिस करते हैं आप। फिर वो बाजार वो जो सड़कें थी ना उन्होंने वो भी उखेड़ दी। क्या बात है कोई बात नहीं कोई बात नहीं सड़क को पाकिस्तान की मिट्टी में भी छुपा है इसलिए वो खेड़ देते हैं ताकि डस्ट वगैरह पड़े और लोग बेदियाब हो। बाकी बड़ा मजा आ रहा है मौसम बड़ा जबरदस्त है। दुनिया में कोरोना फैला हमें नहीं हुआ यहाँ इम्यून सिस्टम बड़ा हाई है ना लोगों ने गधे खा लिए तो इम्यून सिस्टम उससे बड़ा हाई रहता है क्योंकि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है ना बड़ा सख्त जान होता है वो जान बड़ी चाप का अपना ही मजा वैसे भी। बस मैं कोई गोश नहीं खाता इसीलिए दूसरी चीज का होना है तो आप खिलाएंगे बड़ी चाम। अच्छा लाहौर वाली खाने के सर गुजरा वाली नहीं जहाँ खानी है फिर मिल बैठ के खानी है। नहीं मैं तो नहीं खाती गुजरा वाला के तो कम में मशहूर है चाम से मिलती है वहाँ की चीले। अच्छा बटेरों के नाम पर बाहर जी मौसम बड़ा जबरदस्त था आज बड़ा कमाल का और 20 तारीख तक सुना है बात की होंगी। हाँ जी अब जिनकी कनक नहीं कटिंग हुई उनको मसला हो जाएगा क्योंकि आज हम सफ़र में थे रोज़ा हमने नहीं रखा भाई जान अभी हम खाएंगे पियेंगे और जो बाहर के मुल्क सफ़र करके उन्होंने माशाल्लाह से रोज़ा रखा हुआ है।
जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का पहला रोजा है जो आसमान पे रखा है और, ठीक है? और मेरी सहरी करवाई है पीए वालों ने और बड़ी शानदार सहरी थी। अंडा दिया साथ में कीमा दिया उन्होंने, ठीक है? और उन्होंने साथ में ये बोला है कि ये आप इसको लंच समझे डिनर समझे या आप इसको सहरी समझे। तो मैंने उससे पूछ लिया एयर हॉस्टेस से ये सहरी है कि डिनर है, तो उसने मुझे बोला कि आपके लिए सहरी है, तो मैंने सहरी की नियत था। चले अल्लाह अजर देगा, बस भी आप घर सो नहीं जाना ये जी शरीर सामान ले आया है ये देखिए जी हम खोदा दौरे की ये रोजा कोई तौबा 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 अंदर अंदर निद्रा चढ़ गई सानू जी शेख साहब। हेलो जी जी पिछला यार लभ्या थानू पिछला यार लभ्या अच्छा करो गए शक्ल ऐसी पिछड़ा वाली जो तुम दिखाई है वीर बंदा वो देखो ना खुशी का मुंह लाल हो गया मैं कह रहा हूं कि बड़ी खुशी है। हां जब से आपने मुझे बताया कि क्या बताया मैंने जब से आपने ये बताया कि जेक साहब भी पार्टी का अरेंज कर रहे हैं माशाल्लाह तब से रंग उठ गए। मेरा मन नहीं होता है मेरे ना दोस्त अक्सर ये ऐसी बातें करते रहते हैं। मेरे एक और दोस्त भी थे पिंडी में ही अच्छा। वो भी किसी दोस्त को कह रहे थे कि शेख साहब कर रहे हैं इंतजाम ग्रुप में भी उन्होंने काफी शोर शराबा छोड़ा अच्छा अगर आप शाम को आते तो फिर अफ्तारी तो पढ़ जानी थी ना शेख साहब को जा मैं देखिए मैंने तो यही चाह था कि सारे के सारा रोजा रखें। हाँ लेकिन मुझे क्या पता था जो दुबई से आ रहा है उसका सफरी रोजा माफ चाहिए आपका माफ जो भिंडी से आ रहा है ये लॉजिक तो मुझे पता ही नहीं थी। अब ये देखे ना ये देखे ये इन तीनों ने खानी चीजें मैंने भी इनका रोजा माशाल्लाह भाई ने तो चेक नहीं है ना माशाल्लाह। हाँ जी लोग देख के मराए गए ये बटिया आ गया माशाल्लाह से और भाई जान सुते पे से नोट कर ये दिखा जी ये पिंडी ये पिंडी बढ़िया देखे जी ये दिखा हां ताकि फिर आए अब इस पिंडी देखिए पिंडी बढ़िया सड़क पे कितनी प्यारी है ये लूटने वाले आ गए डाकू जी हाँ जी माशाल्लाह से अभी हम घर आ चुके हैं तकरीबन 10:30 सुबह के बज गए हैं और खैर खरीद से हम होके आ गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा और इंजॉय करेंगे आप। तो इसके साथ हमें इजाज़त दें। ओके जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।